आज की इस वीडियो में आपके एंड्रॉयड डिवाइस के लिए टॉप 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन लेके आऊँ, जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कस्टमाइज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हो। तो गाइस, आपने इस वीडियो का इंट्रो तो देख लिया होगा, जिसमें कि गाइस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल रही होगी एंड कॉलर स्क्रीन भी आपको एनिमेशन वाली देखने को मिलनी होगी, जिसमें कि गाइस आप आईफोन की कॉलर स्क्रीन भी अप्लाई कर पाओगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। एंड गाइस लास्ट एप्लीकेशन है गाइस, जिसकी मदद से आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में अपनी फ़ोटो अप्लाई कर सकते हो, या आपको कोई सी भी फ़ोटो पसंद हो आप वो भी अपने नोटिफिकेशन पैनल में अप्लाई कर पाओगे, वो भी बहुत ही आसानी से, बस आपको इस वीडियो को देख। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक, आप देख रहे हैं अशोक टेक ऑफिशियल। तो गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की इस वीडियो को हम लाइक टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक, तो जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम होने वाला है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो गाइस, इसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन लगा पाओगे किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में। अगर गाइस आपके फ़ोन में पहले से ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो गाइस आपको बहुत सारे न्यू एनिमेशन देखने को मिलेंगे आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर लॉक स्क्रीन पर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, मैं अभी आपको चलते हैं प्ले स्टोर पर फर्स्ट ऐप की तरफ, एंड यहाँ पर आपको ये लिखना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये सर्च करने के बाद गाइस आपको फोर्थ नंबर पर जो एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, मैं आपको इंस्टॉल करके पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा एंड 110% वर्किंग करके भी दिखाऊंगा कि आपके फ़ोन में कैसे वर्क करेगी, एकदम फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ मैं। वैसे एक सेकंड में हो जाती है इंस्टॉल, ये हो चुकी है इंस्टॉल। चलिए अब मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ, आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। और गाइस, ये एप्लीकेशन एकदम फ्री है, जो गाइस मैंने आपको इंट्रो में भी दिखा दिया था वीडियो के, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो हल्का सा हम वेट कर लेते हैं, ये हो चुकी है गाइस, एक ऐड आ चुकी है, इसे हम काट देते हैं। एंड गाइस, आप देख सकते हो जो आपको एनिमेशन देखने को मिलने वाले हैं, मतलब जो भी आपको देखने को मिलने वाला है गाइस, ये सब आप अपने फ़ोन में बड़ी आसानी से लगा सकते हो, सब ऑल फ्री है। गाइस आप चाहे तो राइट करके भी कोई टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन गाइस मैंने जो आपको डिस्प्ले मतलब अपने फ़ोन के इंट्रो में दिखाया था, ये ऑप्शन थे वो। तो गाइस आपको अभी क्या करना है, कोने पर इनेबल का ऑप्शन होगा, आपको इसे ऑन करना है। इसके लिए गाइस आपसे कुछ इस तरीके की परमिशन मांगता है, तो गाइस आपको गेट परमिशन दे देनी है, अलाउ एंड ओके। फिर गाइस आपको यहाँ पर देखना है अपना जो अभी हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, इसे आपको ऑन करना है एंड बैक कर देना है। बैक करने के बाद गाइस अब आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, अब जो भी आप लगाना चाहते हो एनिमेशन आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि गाइस मैंने आपको ये वाला दिखाया था, तो हम यही वाला लगाते हैं और 100% वर्किंग करके दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से आप इसमें कोई सा भी कलर देख सकते हो, तुरंत चेंज हो रहे हैं ना कलर, आपको देखने को मिला हो, तो आप कोई सा भी कलर लगा सकते हो। तो अब हम इसमें नॉर्मली यही रहने देते हैं अभी, जो कि गाइस इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैचिंग खा रहा है। एंड आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक ऐड आएगी, हल्का सा हम वेट कर लेते हैं। बैक अब आपको कट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद गाइस फिर आपको काट देना है, एंड लॉक स्क्रीन लगाते हैं हम अपने फ़ोन में। तो गाइस अब हम अपना फ़ोन हल्का सा स्नैक करते हैं, तो गाइस आप देख रहे हैं ना हमारे फ़ोन में 110% वर्किंग कर रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो गाइस अगर आपको नहीं लगता कि जैसे कि मेरे इस फ़ोन में आपको लगता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो गाइस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में कि हमारे फ़ोन में कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है ही नहीं। ये गाइस काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फ़ोन है, ओप्पो F7, इसमें नहीं आपको देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, गाइस आप देख सकते हैं। एंड मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया, तो अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो गाइस ये 110% वर्किंग करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम होने वाला है कॉलिंग प्लस कॉन्टैक्ट। तो गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही अच्छा एनिमेशन लगा पाओगे अगर आपको किसी की कॉल आती है तो अपनी कॉलर स्क्रीन पर। तो गाइस चलिए चलते हैं, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाना है। गाइस मैं आपको ये भी वर्किंग करके दिखाने वाला हूँ कितनी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला। तो गाइस आप कॉल फ़ोन लिख दें सिंपल से, तो गाइस आपको यहाँ पर ये वाली जो एप्लीकेशन है ना फोन प्लस कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल, तो गाइस आपको इसे इंस्टॉल करना है, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस ये आपके फ़ोन की कॉलर स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, जो कि गाइस आप देख ही लेंगे, इसी में मैं अभी आपको दिखा दूँगा। तो गाइस हल्का सा हम वेट कर लेते हैं एक सेकंड का, तो गाइस ये भी हो चुकी है इंस्टॉल। तो गाइस अब हम करते हैं इस पर क्लिक, क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको फिर फ़ोन पर क्लिक करते रहें, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है।
इतना करने के बाद फिर गाइस आपको डन करना है, अलाउ इतनी परमिशन देनी है। फिर गाइस आपको यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको फ़ोन प्लस कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल पर इसे ऑन कर देना है एंड ओके। ओके करने के बाद फिर गाइस आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस इस एप्लीकेशन के बहुत सारे काम हैं जो कि गाइस मैं अभी आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। गाइस फिर आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि गाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कॉल्स। गाइस जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप की कॉल देखने को मिलेंगी जो कि गाइस आप यहाँ पर आईफोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपनी फोन को। और गाइस यहाँ जितने भी हैं ना गाइस ये ऑल वर्किंग है, आप कोई सा भी लगा सकते हो अपने फ़ोन में कि कॉलर स्क्रीन एकदम मज़ेदार बना सकते हो। तो गाइस सिर्फ आपको यहाँ जो इस पर क्लिक करना है एंड आपकी कॉल आईफोन की तरह हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपका फ़ोन अप होगा। एंड गाइस अब हम करते हैं बैक एंड फिर से आपको यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करना है। अगर आपको अपने फ़ोन की कॉलर स्क्रीन पे एनिमेशन लगाना तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिला बैकग्राउंड कॉल्स, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है एंड सबसे पहला जो ऑप्शन है ना एनिमेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे जो भी आप चाहो अपने फ़ोन की कॉलर स्क्रीन पर लगा सकते हो। लेकिन गाइस सबसे मस्त जो अमेजिंग लगता है ना ये गाइस ये सरदार वाला, तो गाइस अभी आपको इस पर क्लिक कर देना, ये होगा डाउनलोड। तो गाइस डाउनलोड होने के बाद फिर आपको इसका एनिमेशन देखने को मिलेगा कैसा है कि गाइस ये पाजी डांस करते हैं एकदम मज़े से और गाइस ये जो कॉलर स्क्रीन होती है ना बड़ी मज़ेदार बन जाती है। तो गाइस हमने सबसे पहले चूज़ कर लिया था कि हमें कौन सी कॉलर स्क्रीन लगानी है, तो हमने आईफोन पे क्लिक कर लिया था। तो ये आईफोन की कॉलर स्क्रीन के संग ये सरदार जी नाचते हुए आने वाले हैं, तो कैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आपको आने वाला है। जब आपको किसी की कॉल आएगी तो आपको ऐसी कॉलर स्क्रीन देखने को मिलेगी अपने फ़ोन में। अगर आपका कोई दोस्त होगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एंड गाइस आपको ऐसे करके पिक कॉल कर देनी है और आपको कॉल काटने के लिए यहाँ पर दो बार क्लिक करना पड़ेगा एंड आपको यहाँ देखना पड़ेगा ये डार्क हुआ कि नहीं, जब ये डार्क हो जाता है तो ये सेट हो जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं लास्ट एप्लीकेशन की जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है आपके एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एंड आपके लिए भी। गाइस वो होने वाली है कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस के नोटिफिकेशन पैनल पर अपनी फ़ोटो लगाएं। तो गाइस वो कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है, तो गाइस वो इम्पॉसिबल हो सकता है इस वीडियो को देख के। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको उसके लिए क्या करना है। तो गाइस आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आपको लिखना है वन सेड, क्योंकि ये एप्लीकेशन में गाइस आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप अपने नोटिफिकेशन पैनल पे अपनी फ़ोटो या आपको जो भी फ़ोटो पसंद हो वो लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। इस वीडियो को इसलिए ध्यान से देखना। तो गाइस आपको वन सेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है, तो आपको सबसे पहले सारी परमिशन दे देनी है उसको अलाउ एंड यहाँ पर आपको वन सेड पर जाना है, इसे भी आपको अलाउ दे देना है ओके एंड बैक करते हैं। ये ऑन हो चुका है हमारा, आपको देख लेना अच्छे तरीके से, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है एंड वन सेट को आपको ऑन कर देना है। तो गाइस इतना करने के बाद गाइस नो टाइम्स करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा जो कि गाइस ऑल वर्किंग है। कितना ज़्यादा इसमें मज़ा आता है ना गाइस क्या बताऊँ मैं आपको, ये कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एंड गाइस इसके लिए आपको फिर लेआउट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने टाइप से इसे कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि गाइस आप ये देख रहे हैं ना, आप जितना भी चाहें सर्कल वगैरह हार्ट वगैरह सब फ्री है इसमें, बस आपको इस वीडियो को देखना है जिसकी मदद से आप लगा पाएंगे एंड कैंसिल कर देते हैं। फिर गाइस अब आपको कलर पर आ जाना है। कलर पर आ जाने के बाद यहाँ से आप इसमें कलर भी अपने हिसाब से टाइप से सेट कर सकते हैं एंड सेकेंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कस्टम बैकग्राउंड इमेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिले रिमूव एंड सेलेक्ट। तो गाइस आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है एंड आपको अपनी गैलरी चूज कर लेनी है। इतना करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको जो भी फ़ोटो लगाना है ना आपको वो फ़ोटो चूज़ करना है अपनी गैलरी में से, जो कि गाइस मुझे ये लगाना है। तो गाइस अब आप कितना फ़ोटो लगाना चाहते हो आपको उतना करना है। तो गाइस मैं लगाना चाहूँगा बस इतना, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं एंड सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेलेक्ट पे करने के बाद गाइस फिर आपको कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है एंड आप अपना जब भी नोटिफिकेशन पैनल निकालेंगे तो गाइस आपको वहाँ पर अपनी फ़ोटो देखने को मिलेगी। तो गाइस ये अभी अच्छी तरीके से नहीं लगा, तो गाइस हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। लेकिन गाइस आप अपना दोबारा यही कर लेना, अपना वॉलपेपर अच्छी तरीके से सेट कर लेना, क्योंकि गाइस मैंने अभी आपको दिखाने के चक्कर में जल्दी में नहीं हो पाया है। तो गाइस इस वीडियो में
तो ये गाइस 110% वर्किंग है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट लगी, कॉलर स्क्रीन, नोटिफिकेशन पैनल या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो गाइस कमेंट करके जरूर बता देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करके जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।